नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। देखो अब जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड है। मैग्नेटिक मटेरियल्स किसको बोला जाता है? ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे मैग्नेटाइज होते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सब क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इनको अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेटाइज होकर खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेंगे, इसलिए इनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिन पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, मतलब उनके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो वो मैग्नेटाइज ही नहीं होंगे। जैसे वुड हो गई, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो इनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो अभी हम स्पेशली किसकी बात करने वाले हैं आगे? अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स की, डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करेंगे और उनको अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे, है ना। जैसे एक टाइप का जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो दूसरे से कैसे डिफरेंट होगा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, और कैसे उनको कैटेगराइज करते हैं उसके लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने वाले हैं, जैसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, आगे भी हम दो तीन ऐसी टर्म पढ़ेंगे। उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं कि ये इस टाइप का मटेरियल है, ये इस टाइप का है, ये इस टाइप का है। तो वो जो कैटेगरी है वो किस हिसाब से डिसाइड होगी उसके लिए हम ये बेसिक टर्म्स स्टडी करेंगे, इनके बेसिस पे हम कैटेगराइज करने वाले हैं। तो पहली जो टर्म है वो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसको हम म्यू के सिंबल से डिनोट करते हैं। किसके सिंबल से डिनोट करेंगे? म्यू के सिंबल से डिनोट करते हैं। देखो जैसे मान लो कि आपने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसके ऊपर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया बी नोट। एक चीज याद रखो कि आगे जो भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उनमें बी नोट हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। बी नोट क्या बताएगा हमको? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आप अप्लाई करोगे मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? बी नोट से। तो ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब मैग्नेटिक फील्ड इसको आर पार क्रॉस करने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से गुजरने की कोशिश करेगा, इसके अंदर से निकलने की कोशिश करेगा। तो ये जो मटेरियल है ये उस मैग्नेटिक फील्ड को जो इसके अंदर से पास होने की कोशिश कर रहा है उसको कितना इजीली अपने अंदर से पास होने देगा, इसका जो मेजरमेंट है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, या उसको हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से डिफाइन करते हैं। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो मैग्नेटिक फील्ड कितना इजीली उस मटेरियल से पास हो पाता है, इसका जो मेजरमेंट है या इसको बताने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसी का नाम क्या होता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब इजीली उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो पाएगा, लेकिन अगर किसी दूसरे मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम है तो इसका मतलब जब उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास होने की कोशिश करेगा तो वो उतना नहीं पास हो पाएगा जितना पहले वाले मटेरियल से पास हो रहा था, मतलब सेकेंड वाला जो मटेरियल है वो उस मैग्नेटिक फील्ड को कम पास होने देगा अपने अंदर से, एक तरह से रेसिस्ट करेगा ऐसा बोल सकते हो, मतलब उतना इजीली पास नहीं हो पा रहा उसमें से जितना पहले वाले मटेरियल में से पास हो रहा था। तो हम बोलेंगे कि जो फर्स्ट वाला मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है और दूसरे वाले मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम है। तो ये वो बेसिक टर्म है जो आपको ये बताती है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकता है। ठीक है, अगर इजीली मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो हम बोलेंगे कि इस मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा है, और अगर इजीली मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो पाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि इस मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम है। ये तो इसका मतलब हुआ। ठीक है, फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है उसकी वैल्यू आपको याद करनी है, उसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻¹⁷। देखो ये जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी है क्योंकि काफी क्वेश्चंस में हम इसको यूज करते हैं। म्यू नॉट मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोला जाता है वैक्यूम को, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये इसकी वैल्यू होती है, तो ये याद रखेंगे। दूसरी बात, जैसे किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को आपको कंपेयर करना हो फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से तो उसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलेंगे उसको? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, और इसको हम म्यू आर के सिंबल से डिनोट करेंगे। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये जो रेशियो है इसी का नाम होता है
रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो रेशियो होता है उसी का नाम क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, समझ में आया, इजी टर्म एकदम। अच्छा एक और चीज याद रखो, देखो ये जो मटेरियल है जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये मैग्नेटाइज होगा, क्योंकि हम मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर रहे हैं अभी, और मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पे मैग्नेटाइज होते हैं। तो अगर ये मैग्नेटाइज होगा तो ये खुद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसके अंदर अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी। बी मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल। आपने बी नोट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उससे ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया और खुद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया इसने, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर रखा है वो प्लस जो इसने खुद ने प्रोड्यूस किया, उन दोनों को मिला के टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितना बन गया, बी बन गया। तो बी यहां पे किसको बता रहा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में, यहां पे बी का जो सिंबल होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल को, और बी नोट का सिंबल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए हम यूज करेंगे। हमने ये बोला कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा तो ये मैग्नेटाइज हो गया, और इसने खुद ने भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया, और अब इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो चुका है, बी। टोटल मिला के जो इसने प्रोड्यूस किया, जो इसको एक्सटर्नल मिला, सारा मिला के कितना हो गया, बी हो गया। तो ये जो बी और बी नॉट का रेशियो है इसको भी हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के इक्वल लिख सकते हैं, ये भी इसी के बराबर आता है, यानी कि मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है, इसका जो रेशियो है वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उनके लिए म्यू आर कितना होगा, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटाइज ही नहीं होता, उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उनके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी नोट के बराबर ही होगा, क्योंकि बी नोट जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया ये तो इसके अंदर से पास हो ही रहा है, और ये खुद कुछ प्रोड्यूस कर रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, बी नोट ही मिलेगा। तो बी नोट और बी नोट का रेशियो, क्योंकि इसके अंदर भी बी नोट मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर भी बी नोट है, तो बी नोट और बी नोट का रेशियो क्या आएगा, वन आएगा। तो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना उनके लिए म्यू आर की वैल्यू वन होती है, बाकी जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे उनके लिए म्यू आर की वैल्यू या तो वन से ज्यादा होगी या वन से कम भी हो सकती है। ठीक है, वो हम आगे स्टडी करेंगे कि किसके लिए वन से ज्यादा होगी, किसके लिए वन से कम होगी। आया समझ में ये, और ये भी याद रखो कि जो म्यू आर है उसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि देखो म्यू आर किसका रेशियो है, म्यू और म्यू नॉट का, या फिर बी और बी नॉट का, यहाँ पे म्यू और म्यू नॉट की जो ऐसा यूनिट है वो सेम होती है, तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे बी और बी नॉट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट सेम होंगी तो वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो म्यू आर क्या होगा, यूनिटलेस होगा। याद रखना है जो म्यू आर है वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है, और अगर ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं है, तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी, तो ये डायमेंशन लेस भी होगा। तो जो म्यू आर है उसकी ना तो कोई यूनिट होती है और ना ही कोई उसकी डायमेंशन होगी, यूनिट लेस भी होगा और साथ में डायमेंशन लेस भी होगा। क्लियर है एकदम। ये जो म्यू नॉट है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, वेबर मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। अच्छा ये भी याद रखो, वेबर किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो जो म्यू नॉट या म्यू होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, और म्यू आर की ऐसा यूनिट क्या होती है, ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होगी। ठीक है ना, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट इसके बाद में मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको हम कैपिटल एच के सिंबल से डिनोट करते हैं। ये जो टर्म है क्या नाम है इसका, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको हम कैपिटल एच के सिंबल से डिनोट करेंगे। अब ये क्या चीज है इसको समझो, जैसे मान लो कि आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और इसके ऊपर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया बी नोट, और इस बी नोट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया और इसने टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर प्रोड्यूस कर लिया, सपोज करो बी।
अब इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया हुआ है, बी नोट। ये चीज समझ में आई क्या? बी नोट का सिंबल हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए यूज किया जाएगा और बी का सिंबल हमेशा मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए यूज करेंगे। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, याद रखना इसको। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, जो इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, तो इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए, किसकी स्ट्रेंथ को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताने के लिए कि वो कितना स्ट्रॉन्गली किसी भी चीज को मैग्नेटाइज कर सकता है, इसको बताने के लिए ये टर्म यूज होती है। मतलब आप जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने वाले हो वो कितना पावरफुल है, उसकी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसको बताने के लिए हम इस टर्म को यूज करेंगे। और इसका फॉर्मूला होगा H इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। क्या है फॉर्मूला? H इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है? म्यू नॉट से डिवाइड करना है। जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दो, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट से अगर डिवाइड कर देंगे तो अपने पास उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो इस मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। जिस मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये एच की वैल्यू ज्यादा आती है, इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और वो उस मटेरियल को ज्यादा स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज कर सकता है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आप याद रखो। एच इक्वल टू, देखो यहाँ पे बी नॉट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों जगह से जीरो हटा दो तो ये बन जाएगा बी अपॉन म्यू। बी मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल और म्यू मतलब मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये दोनों टर्म्स किसके लिए हैं? मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हैं। मतलब एच को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे जब भी हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। एक ही चीज के दो नाम है वैसे, ये अलग अलग चीज नहीं है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल देंगे कई बार तो, या कई बार क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलेंगे। एच के ये दो नाम है। ठीक है, ये चीज भी समझ में आई क्या? और ये जो एच है इसकी ऐसा यूनिट भी आप याद रखो, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसकी ऐसा यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर। ये यूनिट भी आपको याद रखनी है, एम्पियर पर मीटर में इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, जिसको हम कैपिटल आई के सिंबल से डिनोट करेंगे। कैपिटल आई का सिंबल किसके लिए है यहाँ पे? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल को बताने के लिए। जैसे मान लो कि आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख के मैग्नेटाइज कर रहे हो। ये आपने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया बी नॉट और इसमें आपने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखा हुआ है और आप उसको क्या कर रहे हो, मैग्नेटाइज कर रहे हो इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है सपोज करो ए, और क्योंकि मैग्नेटाइज होने के बाद में ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, इसलिए मैं ये जो टोटल लेंथ है इसकी यहां से यहां तक की, इसको मैं 2L लिख रहा हूं, क्योंकि ये मैग्नेट में कन्वर्ट होने वाला है आफ्टर मैग्नेटाइजेशन। अगर ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, जैसे ये आयरन का पीस है सपोज करो, तो जब ये मैग्नेटाइज हो चुका होगा तो ये खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। कौन सी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है उसी डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में खुद भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ये जो खुद जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मैं उसका नाम रख देता हूं बी एम। बी एम का मतलब है वो मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल ने खुद ने प्रोड्यूस किया है, और इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा आपको, बी नॉट प्लस बी एम, जिसको हम बी बोलते हैं। बी का जो सिंबल है वो किसके लिए होता है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल को बताने के लिए। टोटल कौन कौन सा? एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक वो मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल मैग्नेटाइज होकर खुद प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसको आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जिससे ये मैग्नेटाइज हो गया और इसने खुद ने एक मैग्नेटिक फील्ड बीएम प्रोड्यूस कर लिया, जिसकी डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो रहा है। अब क्योंकि ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा खुद भी, इसलिए ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और मैग्नेट के लिए आपको पता है कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। इसका मतलब इधर तो क्या डेवलप हो जाएगा, इसके अंदर
साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और इधर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, और इस तरीके से ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, अब ये एक बार मैग्नेट की तरह पीस काम करेगा। अच्छा, हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं वो है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ये जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है ये वो टर्म है जो आपको ये बताती है कि ये मटेरियल किस लेवल तक मैग्नेटाइज हो सकता है, मतलब इसके अंदर जो बीएम प्रोड्यूस हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटाइजेशन की वजह से, ये कितना ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, इसको बताने के लिए टर्म होती है। जिस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो मैग्नेटाइज होकर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, बीएम की वैल्यू उसके लिए क्या होगी, ज्यादा। और जिस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कम होगी वो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा, उसके लिए बीएम की वैल्यू कम होगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी में डाल दोगे मटेरियल्स को कि ये ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, ये कम मैग्नेटाइज हो रहा है, तो ये अलग कैटेगरी का मटेरियल है, ये अलग कैटेगरी का है। तो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी वो टर्म है जो आपको ये बताएगी कि ये जो मटेरियल है ये किस लेवल तक मैग्नेटाइज हो सकता है। जिन मटेरियल्स की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा वो हमेशा ज्यादा मैग्नेटाइज होंगे, और जिन मटेरियल्स की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कम होगी वो हमेशा कम मैग्नेटाइज होंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो। अब इसके लिए हम तीन फॉर्मूले यूज करते हैं, मतलब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए तीन फॉर्मूले हैं, तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो। पहला फॉर्मूला देखो, आई इक्वल टू ये जो मटेरियल है मैग्नेटाइज होकर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बीएम डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी होगी फ्री स्पेस की उससे इसको डिवाइड करना है। फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इक्वल टू वो मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल ने खुद ने प्रोड्यूस किया डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल। भाई सिंपल सी बात है, अगर बीएम की वैल्यू ज्यादा आपको दिखाई दे रही है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में, इसका मतलब आई की वैल्यू ज्यादा होगी, उसके लिए सॉल्व करने पे ज्यादा आएगा ना, इसका मतलब उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा है। या उल्टा बोल दो कि अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेगा, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखो इसका, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जब ये मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा तो ये खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और इसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा, क्योंकि कोई भी बार मैग्नेट होती है ना उसके अंदर पोल्स डेवलप हो जाते हैं और उसके जो दोनों पोल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ हमेशा बराबर होती है, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम का सिंबल किसके लिए है, पोल स्ट्रेंथ को बताने के लिए। और अगर मैं किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ को दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे मुझे मिलेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद है ना आपको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है जब ये मैग्नेटाइज होगा तो ये कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेगा, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम कितना है वी। तो ये जो रेशियो अपने पास निकल के आएगा ये इस मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के बराबर होगा। क्या है फॉर्मूला, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये जो रेशियो है ये किसके बराबर है, ये इस मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के बराबर है। इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल आसान है एकदम। आया समझ में ये भी, ठीक है जी। अब तीसरी चीज देखो, तीसरा फॉर्मूला देखो। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्मॉल एम इंटू टू एल, उधर लिखा हुआ भी हमने, डिवाइडेड बाई वी मतलब वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये जो बार है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और इसकी लेंथ कितनी है 12। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ए इंटू टू एल क्या है, इसका वॉल्यूम है। आया समझ में, 12 से 12 उड़ा दो ऊपर नीचे, तो आई इक्वल टू क्या आ गया, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। यानी कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है मैग्नेटाइज होने के बाद में ये कितनी पोल स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है डिवाइडेड बाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। ये जो रेशियो होगा ये भी किसके बराबर होगा, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल के बराबर होगा। तीन तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तीन फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको, तीनों आप यूज कर सकते हो। जो भी आपको डेटा दे रखा हो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। देखो इससे पहले हमने जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ी थी अभी, उसकी जो ऐसा यूनिट है वो भी क्या होती है एम्पियर पर मीटर, और जो आई है यानी कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है उसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है एम्पियर पर मीटर। दोनों की यूनिट सेम ही होती है। ठीक है,
जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो तो आपको ये बताता है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है एक तरह से। और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ये बताती है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो सकता है, ये उसको बताने वाली टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इसको हम काई एम के सिंबल से डिनोट करते हैं, ये जो एक्स के जैसा सिंबल दिख रहा है ना इसको बोलते हैं काई। तो काई एम का सिंबल हम यूज करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को बताने के लिए। अब ये क्या चीज है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज होता है, ये उसको बताने वाली टर्म है। अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल की अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो इजीली मैग्नेटाइज होगा। जैसे आयरन होता है, आयरन की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी स्टील से ज्यादा होती है, तो आयरन इजीली मैग्नेटाइज होगा, जबकि स्टील को मैग्नेटाइज करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो मैग्नेटाइज होगा। तो जो मटेरियल्स इजीली मैग्नेटाइज होते हैं उनकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिन मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कम होगी वो हार्डली मैग्नेटाइज होंगे, उनको मैग्नेटाइज करने में जोर आएगा, मतलब आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो मैग्नेटाइज होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आई बाई एच, मतलब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड उसको मैग्नेटाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इनका जो रेशियो है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, आई का सिंबल किसके लिए होता है याद करो, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को बताने के लिए। और ये टर्म क्या बताती है, ये आपको ये बताती है कि कोई भी मटेरियल किस लेवल तक मैग्नेटाइज हो सकता है। और एच का सिंबल किसके लिए होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बताने के लिए। ये मिलती जुलती सी टर्म्स हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है। देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है लेकिन इसका नाम ऐसा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ये जो काईएम है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो आपने मैग्नेटाइज करने के लिए अप्लाई कर रखा है उसके ऊपर, उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रेशियो के बराबर होता है ये। और आपको याद होगा कि आई और एच की यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, दोनों की यूनिट सेम होती है। तो अगर दोनों की यूनिट सेम होगी तो यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और काईएम की ऐसा यूनिट क्या बनेगी, कोई यूनिट नहीं होगी, यानी कि ये होगा यूनिटलेस, और यूनिटलेस होगा तो ये डायमेंशनलेस भी होगा, यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस भी होगा ये। ठीक है, आई बात समझ में क्लियर है एकदम। ठीक, तो ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है, कौन कौन सी टर्म्स बताई हैं एक एक करके वापस बता देता हूं। पहली जो टर्म थी वो थी मैग्नेटिक परमिबिलिटी, जिसका मतलब है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना अपने अंदर से इजीली मैग्नेटिक फील्ड को गुजरने देगा, पास होने देगा, उसका जो मेजरमेंट है उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी। फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिबिलिटी की वैल्यू याद करनी है 4π × 10⁻²⁻¹, ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक परमिबिलिटी की वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, अच्छा जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी को अगर आप फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमिबिलिटी से डिवाइड कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। क्या बोलेंगे उसको, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। और इसका एक और फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो गया डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना आपने अप्लाई किया हुआ है, उसका जो रेशियो है वो भी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी के बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा था मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है, जो इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है, ये कितना पावरफुल है, इसकी स्ट्रेंथ को बताने वाली टर्म है। और इसके दो फॉर्मूले होते हैं, या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो एच इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होगा एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू। अगर यहाँ पे बी नॉट है तो नीचे म्यू नॉट आएगा, और यहाँ पे अगर बी है तो नीचे म्यू आएगा, ध्यान रखना ही। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर तीसरी चीज हमने पढ़ी थी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, जो ये बताती है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, किस लेवल तक उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। जिस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो पाएगा, जिस मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कम होगी वो हमेशा कम मैग्नेटाइज होगा। और उसके लिए तीन फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं,
कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इक्वल टू बी एम अपॉन म्यू नॉट। अच्छा बी एम क्या है यहाँ पे, बी एम वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मेटेरियल ने मैग्नेटाइज होकर खुद प्रोड्यूस किया है, और बी नॉट में अगर आप ये बी एम एड कर दोगे तो ये आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द मेटेरियल, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज होगा, इजीली मैग्नेटाइज कितना हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपने अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स को रख दिया, एक उसमें इजीली मैग्नेटाइज हो गया, एक कम मैग्नेटाइज हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसको मैग्नेटाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज होता है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि ये ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाला मटेरियल है इसलिए ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, और इस मटेरियल की दूसरे की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम है इसलिए ये कम मैग्नेटाइज हो रहा है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऐसा यूनिट याद रखेंगे, ऐसा यूनिट कोई नहीं होती, यूनिटलेस होता है ये और डायमेंशनलेस भी होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं ये कि काईएम की यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो यूनिटलेस होगा या फिर डायमेंशनलेस होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी कि म्यू और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई एम, इनके बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे। बिल्कुल आसान सा एक रिलेशन है, देखो मान लो कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी नोट, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी नोट, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा हुआ है, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी नोट, ये क्या करेगा, इसको मैग्नेटाइज करेगा, और मैग्नेटाइजेशन की वजह से सपोज करो इस मैग्नेटिक मटेरियल ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया बी एम। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो चुका है, तो बी नोट तो इसको फोकट का मिल ही रहा है, बी एम इसने खुद ने प्रोड्यूस कर लिया, तो इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ, B इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, याद है ना ये सिंबल्स, B मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द मटेरियल, B नॉट का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और बी एम मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो आफ्टर मैग्नेटाइजेशन मटेरियल खुद प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो मटेरियल खुद जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उन दोनों को मिला के बनेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द मटेरियल। ठीक है, अब एक दो फॉर्मूले हम जानते हैं पहले से, वो मैं लिख देता हूं। जैसे ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो इंटेंसिटी है इसको बताने के लिए हम टर्म यूज करते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और उसका फॉर्मूला होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, या फिर हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके लिए एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू, ये दोनों फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। ठीक है, फिर ये जो बी एम है ये कितना इसके अंदर प्रोड्यूस हो पाएगा, मतलब मटेरियल मैग्नेटाइज होकर कितना मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर प्रोड्यूस कर पाएगा, इसको बताने के लिए जो टर्म होती है उसको वो जो टर्म है उसका नाम है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, और उसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू बी एम अपॉन म्यू नोट। आई का मतलब क्या है यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, जो ये बताएगी कि मटेरियल किस लेवल तक मैग्नेटाइज किया जा सकता है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले याद है अपन को। अब देखो इस पहले फॉर्मूले से बी नॉट इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट इंटू एच। दूसरे वाले फॉर्मूले से बी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, म्यू इंटू एच। तीसरे वाले फॉर्मूले से बी एम इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, म्यू नॉट इंटू आई। ये तीनों वैल्यूज किसकी वैल्यू, इससे बी नॉट की वैल्यू, इससे बी की वैल्यू और इससे बी एम की वैल्यू, ये हम कैलकुलेट करके यहां पे पुट करेंगे। अब बी की जगह मुझे क्या लिखना है इस फॉर्मूले से, म्यू इंटू एच लिखना है। बी नॉट की जगह मुझे क्या लिखना है, म्यू नॉट इंटू एच लिखना है। और बी एम की जगह मुझे क्या लिखना है, म्यू नॉट इन टू आई लिखना है। इस तरीके से लिख देंगे। अब ये जो इक्वेशन बनी हम इसको डिवाइड करेंगे म्यू नॉट एच से, डिवाइडिंग बाय म्यू नॉट एच। ये जो आपने इक्वेशन लिखे है इसको हम डिवाइड करने वाले हैं किससे, म्यू नॉट एच से। म्यू नॉट एच से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा म्यू इन टू एच डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एच। इसको म्यू नॉट एच से डिवाइड करोगे ये तो वन ही बन जाएगा, इसको वन लिख देता हूं। प्लस ये बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एच। अब देखो एच से एच कैंसिल, ये बन गया म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये आया वन, और इधर क्या आएगा म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल होके आई बाई एच आएगा। ठीक है, ये जो म्यू अपॉन म्यू नॉट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, म्यू आर बोल सकते हैं।
और ये आई बाई एच है, इसको हम काई एम बोल सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये रिलेशन अपने पास आ गया। काई एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, काई एम इक्वल टू म्यू आर माइनस वन। तो आप चाहे तो म्यू आर अगर कैलकुलेट करना है तो वन प्लस काई एम लिख दो, और अगर काई एम कैलकुलेट करना है तो म्यू आर माइनस वन इसको लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आया समझ में? तो ये आपको याद कर लेना है, ये है रिलेशन बिटवीन काई एम एंड म्यू आर, या फिर काई एम एंड म्यू, क्योंकि म्यू आर को अगर म्यू अपॉन म्यू नॉट लिख दोगे तो म्यू और काई एम के बीच का रिलेशन आ जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन फाइंड करेंगे हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 1 मीटर लॉन्ग आयरन बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। इफ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इनसाइड द सोलेनोइड इज 4×10⁻³ A/m, देन फाइंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द आयरन बार। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द आयरन दे रखी है आपको 16 π×10⁻⁵ H/m। अब देखो क्या क्या दे रखा है, पहले वो नोट कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक आयरन बार है हमारे पास में, ये कोई आयरन बार है, इसकी लेंथ कितनी बता रखी है इसने, इसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी, और इसको एक सोलेनोइड के अंदर रखा हुआ है, सोलेनोइड आप जानते हो, उसके अंदर इसको रख दिया मैग्नेटाइज करने के लिए। सोलेनोइड भी ड्रॉ कर देते हैं, ये मान लो अपनी सोलेनोइड है, इस तरीके से इसको सोलेनोइड के अंदर हमने रखा हुआ है, और इसमें करंट फ्लो करके हम क्या करेंगे, इसको मैग्नेटाइज करेंगे। ठीक है, तो सोलेनोइड के अंदर इसको रखा हुआ है, और ये सोलेनोइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी उससे ये मैग्नेटाइज होगा। कौन सी डायरेक्शन में ये सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी, तो करंट की डायरेक्शन में। अगर हम राइट हैंड फिंगर्स को घुमाते हैं तो आपको थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, तो यहां पे थंब जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बी, जो इस मैग्नेटिक मटेरियल की यानी कि आयरन बार को मैग्नेटाइज करेगा। ठीक है, अब देखो इसने आगे क्या बोला, इफ द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इनसाइड द सोलेनोइड इज 4×10⁻³ A/m। मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब एच की वैल्यू गिवन है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब एच आपको गिवन है। फाइंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द आयरन बार, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम आपको कैलकुलेट करके बताना है इस आयरन बार का। ठीक है जी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द आयरन दे रखी है यानी कि म्यू दे रखा है 16 π×10⁻⁵ H/m। ठीक है, ये आपको डेटा दे रखा है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एच दे रखा है, म्यू दे रखा है, और एम की वैल्यू पूछी जा रही है। एम मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस आयरन बार। एम की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, यहां पे एम की वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू आर इक्वल्स टू 1 + KM। ये क्यों, क्योंकि देखो म्यू आर क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है उससे आ जाएगा, और KM की वैल्यू क्या होती है, KM को हम लिख सकते हैं I/H। म्यू आर को भी लिख देते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट, और KM को क्या लिखेंगे I/H। तो H तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको, H क्वेश्चन में दिया हुआ है, और म्यू की वैल्यू भी हमको पता है, तो अगर हम I कैलकुलेट कर ले तो I से फिर हम M की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो I इक्वल टू क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, I इक्वल टू होता है M अपॉन V, V मतलब वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो अगर I की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाती है इस फॉर्मूले से, तो I को यूज करते हुए हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस आयरन बार ये कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को यूज करके पहले I कैलकुलेट करना है। तो देखो I कैलकुलेट करने के लिए काम करते हैं, ये I/H वाली जो टर्म है इसको अलग कर लिया, इक्वल टू ये आएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट माइनस वन। म्यू कितना है 16 π×10⁻⁵ और म्यू नॉट की वैल्यू तो आपको याद ही रखनी है 4 π×10⁻⁷ माइनस करके 1 लिख देंगे क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस होगा। अच्छा एच की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं, अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो एच की वैल्यू आपको दे रखी है 4×10⁻³, ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा। पहले इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 π से ये 16 π कैंसिल करोगे तो 4 बचेगा, ये 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁷ बनेगा,
यानी कि ये सॉल्व करने पे आएगा 400, 400 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 399, तो I बाई एच ये आ रहा है 399 के बराबर इसको सॉल्व करने पे, और I किसके बराबर आएगा तो 399 इंटू एच की वैल्यू ये पुट कर दो 4 × 10⁻³, ये अपने पास I की वैल्यू निकल के आई है। और अब आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और इससे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस आयरन बार कैलकुलेट कर लोगे, ये होगा आई इंटू वी के बराबर, आई मतलब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू है 399 इंटू 4 × 10³, और वी मतलब क्या है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ दिस आयरन बार, ये जो आयरन बार है इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको दे रखा है और इसकी लेंथ दे रखी है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, लेंथ है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। देखो मिलीमीटर स्क्वायर को जब भी हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो उसको चेंज करने का तरीका यह है कि मिली को लिखो 10⁻³, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये 10⁻⁶ आएगा, यानी कि 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर इसको लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों भाई, मिली का मतलब क्या है 10⁻³, लेकिन स्क्वायर भी तो हो रहा है उसका, तो 10⁻³ का स्क्वायर करो, पावर की पावर दे रखी होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10⁻³ और उसकी भी पावर 2, यानी कि -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो पावर कितनी आएगी, -6 आएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस आयरन बार, इसको सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं इसको तो ठीक है, तो यही अपना आंसर है।